Today I'm going to revise chapter electoral politics. So first of all, what are elections? The process by which people elect their representatives is known as election. And in India, elections are held after 5 years. In India, elections are held after every 5 years. General elections, they are held after every 5 years. The process by which people elect their representatives is known as election. And in India, our elections are held after fixed tenure, that is 5 years. After 5 years, हमारी country में elections होते हैं. Is it clear? चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे वो किसी state के हो, tenure हर एक 5 years है. ठीक? जैसे अभी पंजाब के tenure पूरा हो गया, तो फेब में elections हैं. You know it well. तो इलेक्शन करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 3-4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, दैट मेंशन अबाउट इलेक्शन कमीशन. इन इलेक्शन कमीशन देयर आर 3 मेंबर्स. वन इज इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 आर हिज हेल्पर्स. वन इज कमिश्नर, अदर आर हिज हेल्पर्स. CEC, Chief Election Commission. EC means Election Commission. CEC, Chief Election Commission. So, Chief Election Commission that conducts the election of the country. 3 members, first commissioner, then 2 helpers. And the tenure of the Election Commission is 6 years. ये जो मेंबर्स है ना, इनका टेन्योर 6 years. लर्न इट, 6 years, नॉट 5 years. टेन्योर, टेन्योर जो मैंने पहले गवर्नमेंट का इलेक्शंस का प्रोसेस बोला, दैट इज आफ्टर 5 years, बट टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन इज 6 years, क्योंकि 1 year तो इनको सारी तैयारियां करनी होती हैं. तो देयर टेन्योर इज 6 years. अब ये करते क्या क्या? First of all, they declare the date of election, prepares voters list, name of new voters are added and names of bogus voters are deleted. अगर किसी की death हो जाए या कोई shift कर जाए, migrate हो जाए किसी और country में, तो ऐसे लोगों की votes को delete किया जाता है, names of new voters are added. Election commission then check rigging during elections. Elections में कोई fraud ना हो. It gives recognition to the political parties as national and regional. It allotted symbols to the party and gives them recognition as national and regional. उन्हें national and regional की recognition भी कौन देता? Election commission. And फिर आप कहोगे कि इलेक्शन कमीशन चेक्स रिगिंग ड्यूरिंग इलेक्शन. तो इस वे से इफ देयर इज बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग इज डन इन एनी एरिया व्हाइल कंडक्टिंग इलेक्शन और ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, देन इलेक्शन कमीशन हैज फुल राइट टू कैंसल द पोल ऑफ दैट एरिया. इट कैन कैंसल द पोल आल्सो. अगर किसी एरिया में प्रॉब्लम हो जाए, बूथ कैप्चरिंग हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन कैन कैंसिल द पोल्स ऑफ दैट एरिया. इज इट क्लियर? टू चेक ईवीएम मशीन्स, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये सारा कौन चेक करता है? इलेक्शन कमीशन, के वेदर दे आर इन गुड कंडीशन, इन वर्किंग कंडीशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ईवीएम में, के लोग वोट डालने आए और आगे से ईवीएम ही वर्क ना करें. तो ऑल दैट इज चेक्ड बाय इलेक्शन कमीशन. तो एक तो आपने इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है. नेक्स्ट हम कहें कि इंडिया में ना इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, और वो इलेक्शंस, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इलेक्शंस जो है दे आर वेरी एक्सपेंसिव. तो क्यों ना वो पैसा जो इलेक्शंस पे लगाया जाता है, गवर्नमेंट शुड स्पेंड ऑन डेवलपमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो ऐसा क्यों? अगर गवर्नमेंट ऐसा करे तो डू यू एग्री विद दिस? हमने कहना नहीं, वी डू नॉट एग्री विथ दिस, बिकॉज इलेक्शन इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड. विदाउट इलेक्शन कंट्री वुड नॉट रिमेन डेमोक्रेटिक एंड इट कैन बिकम
डिक्टेटरियल एट एनी टाइम. सो इलेक्शन तो होने ही चाहिए चाहे वो एक्सपेंसिव है. तो हम कहेंगे नो डाउट इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, बट इफ वी सी द एवरेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन वन पर्सन, अगर एक पर्सन के ऊपर उसका एवरेज निकालें तो दैट इज नॉट मोर देन 500 रुपीज ऑन पर वोटर. अगर एक वोटर के ऊपर हम खर्चा देखें तो 500 से ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा. तो 500 रुपीज हैज नो वैल्यू बिफोर आवर सिविल लिबर्टीज. हमारी सिविल लिबर्टीज के सामने 500 रुपीज की कोई वैल्यू नहीं है. फिर हम कहेंगे इलेक्शंस तो होने ही है चाहे वो एक्सपेंसिव है चाहे वो कैसे. गवर्नमेंट शुड कंडक्ट इलेक्शंस दो दे आर एक्सपेंसिव चाहे वो कैसे हैं. इफ गवर्नमेंट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम, अगर गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ गेम पे खर्चा करती है, या फिर हम कहेंगे कि गवर्नमेंट सब मरीन खरीदने पे खर्चा कर सकती है एंड ऑन कॉमनवेल्थ गेम पे इतना इतना खर्चा कर सकती है, देन वाई नॉट ऑन इलेक्शन, फिर इलेक्शंस पे क्यों नहीं, विच इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. तो कुछ भी हो इलेक्शंस मस्ट बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट दो दे आर एक्सपेंसिव, चाहे वो एक्सपेंसिव है चाहे वो कैसे हैं. इलेक्शंस तो करवाने ही चाहिए. मैंने बोला इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन अवर कंट्री स्लो. क्या हमारी गवर्नमेंट इलेक्शन को छोड़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पैसा लगा दे? आपने कहना नो. गवर्नमेंट शुड कंडक्ट इलेक्शन इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. विदाउट इलेक्शन कंट्री वुड नॉट रिमेन डेमोक्रेटिक, इट कैन बिकम डिक्टेटरियल एट एनी टाइम. इफ वी सी द एवरेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन पर वोटर देन इट इज ओनली 500 रुपीज and value of 500 rupees is not more than our civil liberties. If government can spend huge amount on aap keh sakte ho commonwealth games and on the and to buy submarine, to hum kahenge then why not on election which is the main feature of democracy. So government should always conduct elections and on proper time after fixed tenure. After fixed tenure, government को elections करवाने ही चाहिए, उसे postpone नहीं कर सकती government. Next, educational qualification for the candidates. तो इसमें हम बताएंगे कि educational qualification जो है ना candidate की, तो उसमें हम बता देंगे कि in our country there is no educational qualification for the candidate. हमारी country में candidate के लिए कोई educational qualification नहीं है, है ना. हम कहेंगे कि गवर्नमेंट हैज डन सो बिकॉज आवर गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू वायलेट द राइट ऑफ द सिटीजंस, बिकॉज इन आवर कंट्री देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इलिटरेट. इफ गवर्नमेंट फिक्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट देन इन दिस वे गवर्नमेंट कैन वायलेट द गवर्नमेंट वायलेट द राइट्स ऑफ द इलिटरेट पीपल. Because people having good knowledge about politics and jinko politics ki proper knowledge hai, they can contest for elections. Wo election contest kar sakte hain, though they are not educated, but if they have full knowledge about politics, they can contest elections. To isliye hamari government ne educational qualification candidates ki nahi rakhi. Ye nahi hai ki candidate should be BA, BEd. एम ए ऐसा कुछ भी नहीं है. नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बट कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, उसे पॉलिटिक्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. तो गवर्नमेंट ऐसा इसलिए किया कि हमारी गवर्नमेंट डू नॉट वॉन्ट टू वायलेट द राइट ऑफ द इलिटरेट पीपल. तो इन दिस वे देर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट. एवरी वन कैन कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन बट पर्सन हैव नॉलेज अबाउट educated, uneducated people can contest for the election. Sometime our ministers are uneducated. So there is a team that help the ministers in their day-to-day functioning. We have done civil servants hote hain. They help the ministers in their day-to-day functioning. Okay? So no educational qualification hum kahenge. But randomly hum batayenge ki if candidate is educated and having good knowledge about politics, that is very good. Because educated candidates can do more wonders. क्योंकि हम कहेंगे कि अगर educated भी है candidate and have more knowledge about politics भी है, then such candidates can do wonders for the country. फिर इसमें से हम कहेंगे कि हम इसको दोनों तरह से आंसर देंगे कि
नहीं भी है तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने लोगों के राइट को वायलेट नहीं किया, क्योंकि जो इलिटरेट है उन्हें भी तो नॉलेज होती है पॉलिटिक्स की, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं की। फिर हम कहेंगे कि दोनों तरह से आंसर देंगे, इफ़ कैंडिडेट इज एजुकेटेड, अगर कैंडिडेट एजुकेटेड भी है एंड हैविंग गुड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स भी है, देन सच कैंडिडेट्स कैन डू वंडर्स फॉर द कंट्री। तो इस वजह से हम इसको दोनों तरह से आंसर को लिख देंगे। फर्स्ट इज, अब आप इसमें आपने पढ़ा कि इलेक्शंस जो हैं उनको वेरियस चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन अवर कंट्री। इलेक्शंस सिस्टम हैज़ टू फेस वेरियस चैलेंजेस, तो वो कौन से चैलेंजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्शंस बहुत एक्सपेंसिव हैं, ओनली रिच कैंडिडेट्स कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, पुअर दो दे आर केपेबल, दो दे आर ऑनेस्ट capable and have good knowledge about politics can't contest elections because they have no money due to lack of resources, they can't contest elections. Wo log election contest nahi kar sakte, poor people can't contest elections due to lack of resources. Ek to hum ye kahenge ki two candidate kai baar aate hi nahi hai, theek hai? Fir hum kahenge low polling percentage, ek to vote hi nahi hoti, still 20-25% पीपल हैव नॉट कास्टेड देयर वोट, अपनी वोट ही नहीं डालते ड्यूरिंग इलेक्शंस। सो दिस इज द मेन रीजन दैट कैंडिडेट हु आर रूलिंग दे आर नॉट ट्रू कैंडिडेट, बिकॉज 20-25% पीपल हैव नॉट कास्टेड देयर वोट, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय देम। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं लो पोलिंग परसेंटेज भी एक मेन चैलेंज बना हुआ है इलेक्शन सिस्टम के सामने, कि पीपल डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ देयर वोट एंड दे डू नॉट कास्ट देयर वोट इन प्रॉपर मैनर। ठीक, फिर हम कहेंगे मनी एंड मसल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग होता है जीतने से, एंड पॉलिटिकल पार्टीज वाइल डूइंग कैंपेनिंग कुछ भी हम कहेंगे कि वो मनी एंड मसल पावर यूज करती हैं, दे ऑलवेज गिव चांस टू रिच कैंडिडेट्स, बिकॉज पार्टी को होता है कि बाई यूजिंग मनी एंड मसल पावर दे वुड विन द इलेक्शंस। तो कहीं ना कहीं मनी एंड मसल पावर इज ऑल्सो द मेन रीजन, हम कहेंगे ये भी एक मेन चैलेंज बना हुआ है पार्टीज का मेन एम, क्योंकि जीतने से होता है एंड गिव चांस टू रिच एंड क्रिमिनल्स, उनको होता है कि रिच एंड क्रिमिनल्स है बाय गिविंग ब्राइब बाय यूजिंग मनी पावर, एंड क्रिमिनल है तो बाय थ्रेटनिंग द पीपल बाय यूजिंग हिज मसल पावर, तो कैंडिडेट्स कैन विन द इलेक्शंस। तो ऐसे कैंडिडेट्स को पार्टीज चांस देती हैं। एंड बट यहाँ फिर हम कहेंगे इन दिस वे नॉन कमांड ऑफ द कंट्री जो है वो नॉन सीरियस के हाथ में चली जाती है, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स के। फिर हम कहेंगे डायनेस्टिक सक्सेशन भी है कहीं ना कहीं, कि पार्टीज जो है ना अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को आगे लेके आती है, वो दूसरे लोग जो कि केपेबल होते हैं डिजर्विंग होते हैं बट उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, कोई सिफारिश नहीं होती, उनको पावर में नहीं लेके आया जाता। फिर हम कहेंगे कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी भी है, क्योंकि जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं ना वही कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, तो पार्टी कभी भी इंटरनल इलेक्शंस नहीं करवाती व्हाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स, टॉप पार्टी लीडर्स ही सारे डिसीजंस लेते हैं। तो दिस इज द मेन हम कहेंगे चैलेंज फेस बाय डेमोक्रेटिक बाय अवर इलेक्शन सिस्टम। तो दीज आर द चैलेंजेस, आप इसमें से बता सकते हो कि सारे चैलेंजेस हैं हमारे इलेक्शन। हाँ, एक आप ये भी कह सकते हो कि कैंडिडेट्स ऑलवेज डिमांड वोट इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, कैंडिडेट्स वोट मांगते वक्त कास्ट एंड रिलीजन को यूज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे चैलेंजेस बनते जा रहे हैं। फिर हम कहेंगे हाउ टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन अवर इलेक्शन सिस्टम, हम अपने इलेक्शन सिस्टम में रिफॉर्म्स कैसे लाए। अब आप एक एक करके बताओगे, इलेक्शन शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, इलेक्शन को इतना, देयर शुड बी कंट्रोल ऑन द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, so that candidates who are capable and they can contest elections in an easy way, kyunki agar government ka expenditure pe kharcha hoega to jo candidates itna paisa nahi kharch sakte they can also contest for elections. fir hum kahenge ki voting should be made compulsory, voting ko compulsory bana dena chahiye, voters should know the value of their vote, agar voter ko apne vote ki value pata hogi they cast their vote, वो अपनी वोट डालेंगे। इन दिस वे अब इफ 100% वोटिंग इज डन देन टू कैंडिडेट आर टू बी इलेक्टेड, तभी टू कैंडिडेट्स इलेक्ट होंगे बिकॉज 100% वोटिंग इज देयर।
then candidate who will who are who rule the are true candidate wo true candidate hoenge because they are elected by the all of the people of the country by the 100% because 100% voting was there. तो इस वजह से हम कहेंगे जो भी कैंडिडेट पावर में आएंगे वो ट्रू कैंडिडेट होंगे. फिर हमने कहा कि टॉप पार्टी लीडर्स जब कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं ना दे शुड कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस. उन्हें इंटरनल इलेक्शंस करवाने चाहिए देन दे सिलेक्ट द कैंडिडेट. दे शुड नॉट मिस यूज देयर पावर्स. टॉप पार्टी लीडर्स अपनी पावर्स को ही मिस यूज कर लेते हैं. वो खुद ही कैंडिडेट को सिलेक्ट कर देते हैं. कोई भी इंटरनल इलेक्शंस वो नहीं करवाते व्हाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स. तो ये भी हम रीजन बताएंगे. फिर हम कहेंगे कि पार्ट कैंडिडेट शुड नॉट गिव चांस टू देयर फ्रेंड्स रिलेटिव्स. दे शुड सिलेक्ट द कैंडिडेट हु आर ऑनेस्ट एंड डिजर्विंग. उनको उन्हीं को सिलेक्ट करना चाहिए जो ऑनेस्ट एंड डिजर्विंग है. उनको अपने उनको नहीं लाना चाहिए फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दो दे आर इफ दे आर नॉट केपेबल. फिर हम कहेंगे कि कैंडिडेट शुड नॉट गिव चांस टू क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनल्स को चांस नहीं देना चाहिए. बूथ फिर हम कहेंगे कि जो इलेक्शंस हैं एवरीवन शुड गिवन चांस. रूलिंग पार्टी शुड नॉट मिसयूज पावर्स. रूलिंग पार्टी को लॉ नहीं करना चाहिए तो अपनी पावर्स को मिसयूज करे. रिगिंग शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग इलेक्शंस. फिर इस वजह से आप इसमें रेमेडीज भी बता दोगे. ठीक है. फिर आपका आता होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपने कहना रूल्स एंड रेगुलेशंस. What do you mean by model code of conduct? हमने कहना rules and regulations issued by political parties. Rules and regulations issued by election commission during elections. These rules and regulations should be followed by are to be followed by political parties and candidates. किसको follow करने होते हैं? Candidates and political parties को. Rules and regulations issued by election commission. These are to be followed by candidates and the political parties. अब इसमें होता क्या क्या है? सबसे पहले तो इसमें कहा जाता है no money and muscle power should be used. फिर कैंडिडेट शुड नॉट गिव ब्राइब टू द वोटर्स. कैंडिडेट्स वोटर्स को ब्राइब नहीं दे सकते रिश्वत नहीं दे सकते. फिर साथ में आपको कैंडिडेट्स कांट डिमांड द वोट इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. दे शुड नॉट यूज रिलीजियस प्लेसेस फॉर कैंपेनिंग. रिलीजियस प्लेसेस पे वो अपनी कैंपेनिंग नहीं कर सकते. ठीक है. फिर आप कहोगे कि आप कैंडिडेट कांट डू मच मोर एक्सपेंडिचर एज फिक्स बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेंडिचर फिक्स किया हुआ है उससे ज़्यादा खर्चा वो नहीं कर सकते. तो इस वजह से आप बताओगे एंड किसी की दीवार के विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर वो उस दीवार पे अपनी पार्टी के बारे में कुछ भी उसके सिंबल्स वगैरह ड्रॉ नहीं कर सकते. एंड इन दिस वे हम कहेंगे कि इट्स नॉट अलाउड without the permission of the owner to draw symbols on the walls of the houses. कई बार ये draw कर जाते हैं. ठीक है. तो this is the model code of conduct. कौन issue करता है. election commission किसको दिए जाते हैं. government and candidates को जो कि इन्हें follow करने होते हैं कि ये voting के time ये वाली चीजें नहीं कर सकते. campaigning के time ये वाले काम नहीं कर सकते. caste and religion के नाम पे vote नहीं मांगना. किसी की दीवारों के ऊपर कुछ नहीं लिखना without the permission of the owner. फिर हम कह सकते हैं कि आप ब्राइब नहीं कर सकते वोटर को. थ्रेट नहीं कर सकते. बूथ कैप्चरिंग नहीं कर सकते. तो इसमें से ही सब कुछ. रिलीजियस प्लेसेस नहीं यूज कर सकते फॉर कैंपेनिंग एंड सीक्रेट सिंबल्स नहीं यूज कर सकते. ठीक है. ऑल दिस इज इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. देन व्हाट इज मैनिफेस्टो. इलेक्शन मैनिफेस्टो. What do you mean by a manifesto? It is a booklet or pamphlet. It is a booklet or pamphlet issued by all the political parties or candidates. It is a booklet or pamphlet issued by all the political parties and the candidates
during elections. By this, in this, parties give their policies and programs to attract the voters, to mold public opinion in their favor. तो आज की डेट में आप कहोगे कि ड्यूरिंग दिस डेज ऑल द पार्टीज आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट. दैट्स व्हाई देयर मैनिफेस्टो इज सेम दिस डेज. देयर इज नो डिफरेंसेस. वोटर्स कंफ्यूज हो रहे हैं हुज फेवर दे हैव टू पास देयर वोट. तो मैनिफेस्टो का होता है बुकलेट और पैम्फलेट इशूड बाय पॉलिटिकल पार्टी बिफोर इलेक्शंस. तो इसमें आप बताओगे दिस पार्टी गिव इट्स पॉलिसीज एंड programs to attract the voter or to mold public opinion in its favor. Public opinion apni favor mein karne ke liye party manifesto issue karti hai. Voters read the manifesto and cast their vote in the favor of that party whose manifesto they think is better. But these days manifesto of all the parties are becoming same because all are trying to do their best because their main aim is to win the election. That's why they all want to mold public opinion in their favor. So this is about election manifesto. What is this? Epic. Election photo identity card. Election photo identity card. ये कौन issue करता है? Election commission. Election commission. Epic. इसको दिखा के ही हम वोट डाल सकते हैं. Election photo identity card. ये हमारा एक आई कार्ड बन जाता है by election commission. और इस कार्ड के अकॉर्डिंग वी कैन डू अवर वी कैन यूज अवर वोटिंग राइट. इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इसमें आपने पढ़ा होगा ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. एपिक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन. सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन. ईसी इलेक्शन कमीशन. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इलेक्शन कमीशन? थ्री. वन इज कमिश्नर, अदर आर इज हेल्पर. हु अपॉइंट? प्रेसिडेंट. दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. फिर हम कहेंगे देयर टेन्योर इज सिक्स इयर्स. सिक्स इयर्स इलेक्शन कमीशन का टेन्योर होता है. तो फिर हम कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस अभी मैंने बोले हैं. देन एक्सपेंसिव. इंडिया में इलेक्शन आर एक्सपेंसिव. क्या हम उनको रिजेक्ट करके डेवलपमेंट पे पैसा लगाएं? वो अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो गवर्नमेंट डिक्टेटरियल नहीं डिक्टेटरियल बन जाएगी, डेमोक्रेटिक नहीं रहेगी. और वैसे भी अगर हम एवरेज निकालें उस खर्चे की तो पर वोटर 500 रुपीज. तो वैल्यू ऑफ 500 रुपीज इज नॉट मोर एज कम्पेयर टू अवर सिविल लिबर्टीज. वैसे भी गवर्नमेंट कितनी और चीज़ों पर खर्चे करती है. सब में ऋण पीती है, गवर्नमेंट वेल्थ गेम्स कराती है. तो वाई नॉट ऑन इलेक्शन? गवर्नमेंट क्यों इलेक्शन पे खर्चा नहीं करेगी? नेक्स्ट इज एजुकेशनल. कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत से लोग इलिटरेट हैं. अवर गवर्नमेंट डू नॉट वॉन्ट टू वायलेट द राइट ऑफ द सिटीजन्स. ऐसे सिटीजन्स के राइट को वो वायलेट नहीं करना चाहते थे. दैट्स वाई देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सच एज बीए एमए ऐसा कुछ भी नहीं है. तो बट पर्सन मस्ट हैव नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स. पर्सन के पास पॉलिटिक्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. देन ही और शी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन. तब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं. बट इफ कैंडिडेट इज एजुकेटेड एंड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स देन सच कैंडिडेट्स कैन डू वंडर्स फॉर द कंट्री. फिर हमने किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. कौन इशू करता है? इलेक्शन कमीशन. किसके लिए करता है? पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स. तो इसमें क्या क्या बताया जाता है कि आप रिलीजियस प्लेस यूज नहीं करोगे फॉर कैंपेनिंग. गवर्नमेंट मशीनरी मिस यूज नहीं करोगे. गवर्नमेंट मशीनरी मीन्स गवर्नमेंट व्हीकल्स. आप गवर्नमेंट के पेट्रोल से गवर्नमेंट खर्चे से पेट्रोल नहीं डलवा सकते. आप अपना सारा खर्चा आप खुद का करोगे. आप गवर्नमेंट मशीनरी को मिस यूज नहीं कर सकते व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग. और ये जो कैंपेनिंग है टू डेज बिफोर इलेक्शंस खत्म हो जाती है. तो इस वजह से आप और साथ में आप बताओगे कि कैंडिडेट्स रिलीजियस सिंबल्स भी यूज कर सकते. लोगों के लोगों से कास्ट एंड रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकते. तो इस वजह से ये सारा आप इसमें बता दोगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में. नेक्स्ट मैनिफेस्टो क्या होता है? एक पैम्फलेट या बुकलेट है जो तो जिसमें गवर्नमेंट की जिसमें पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं पार्टी के. दिस मैनिफेस्टो इज इशूड बाय पोलिटिकल पार्टी टू अट्रैक्ट द वोटर or to mold public opinion in their favor. So
आज की डेट में मैनिफेस्टो ऑफ ऑल द पार्टीज आर सेम बिकॉज ऑल आर ट्राइंग देयर बेस्ट द मीनिंग ऑफ ऑल पार्टीज इज टू विन द इलेक्शंस दैट्स व्हाई देयर मैनिफेस्टो इज बिकमिंग सेम डे बाय डे एपिक मींस इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ठीक है ये पहले इशू किया जाता है एंड बाय यूजिंग दिस कार्ड पीपल कैन कास्ट देयर वोट फिर ईवीएम आज की डेट में हम कहें तो ईवीएम के थ्रू वोटिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नेम ऑफ द कैंडिडेट इज रिटन एंड विद सिंबल्स नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड सिंबल्स वोटर्स गो टू पोलिंग बूथ प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट इन हूज फेवर दे हैव टू कास्ट देयर वोट इन दिस वे वोटिंग इज डन इन इंडिया वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट तो व्हाट इज सीक्रेट बैलेट अगर आपको पूछा जाए व्हाट डू मीन सीक्रेट बैलेट तो आपने कहना नो वन एक्सेप्ट वोटर नोस नो वन एक्सेप्ट वोटर नोस इन हूज फेवर ही और शी हैज कास्टेड हिज वोट इन इंडिया किसी को नहीं पता वोटर ने किसकी फेवर में वोट किया इन इंडिया वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट voters go to polling booth, use EVM, they press the button against the name of the candidate, in this way their voting is done, and बाद में क्या करते हैं इस EVM को counting centers में ले जाके वहाँ पे counting होती है and this counting is done before the party, the candidates or the leader of the party, या तो members होते हैं agents होते हैं कोई भी हो सकते हैं वहाँ पे पार्टी की तरफ से कोई ना कोई होना चाहिए अब कैंडिडेट को हर जगह जाएगा नहीं तो उसके एजेंट्स और भी जो पार्टी में वर्कर होते हैं वो उनकी प्रेजेंस में वोटिंग इज डन डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के कैंडिडेट्स कई जगह जाते हैं कई जगह अदर मेंबर्स तो उनकी प्रेजेंस में वोट काउंटिंग इज डन एंड कैंडिडेट दैट गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड विनर तो जैसे काउंटिंग होती है जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं उसे क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है विनर अगर तो वो कंट्री के इलेक्शंस हैं तो वो बन जाते हैं एमपीज अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं तो वो बन जाते हैं एमएलएज अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी नो इट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन कंट्री और स्टेट या तो कंट्री के इलेक्शंस होते हैं या स्टेट के होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन कंट्री और स्टेट are divided into smaller parts known as agar to country hai to known as lok sabha constituency at present in our country there are 543 constituencies how many constituencies 543 constituencies at present in our country there are 543 constituencies to usme general category ki hai fir sc and st general category sc and st 543 total constituencies how many 543 SC and तो इन दिस वे आप कहोगे हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना दे आर फॉर जनरल कैटेगरी देन फॉर एससी एंड देन फॉर एसटी जनरल कैटेगरीज के आप कह सकते हो 412 देन एससी के 84 एंड देन एसटी की 47 तो इस वजह से हम कहेंगे हमारी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है फॉर एग्जांपल 47 देन 84 412 आप इसे आप प्लस कर लेना 543 बन जाएगा 412 प्लस 84 प्लस 47 प्लस इट इट विल बिकम 543 प्लस इट तो हमारी कंट्री में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 543 412 किसकी हैं जनरल कैटेगरी 84 फोर एससी एंड 47 फोर एसटी लर्न इट प्लस करोगे तो कितना बनेगा 543 तो लर्न इट तो इस वे से कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो बटी हुई हैं
अब आपको एक टॉपिक नेक्स्ट हो, हाँ अगर मैं यही पूछूँ व्हाई कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर एससी एंड एसटी, क्यों गवर्नमेंट ने इसको किया, क्योंकि गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ दीज सिटीजंस आल्सो, गवर्नमेंट इज ऑन द व्यू दैट आफ्टर कमिंग टू पावर दीज पीपल कैन आल्सो इम्प्रूव देयर कंडीशन, दैट्स व्हाई सीट्स आर रिजर्व फॉर दीज पीपल आल्सो, ताकि उनको कोई भी डोमिनेट ना कर सके, तो दैट्स व्हाई आवर गवर्नमेंट हैज रिजर्व द constituencies for these people, for the welfare of these people, so that they can improve their condition, so that these people have also a say in politics, ताकि इनकी भी politics में सुनवाई हो सके. That's why our government has reserved the seats for SC and ST. That's why we are having reserved constituencies in our country. ठीक है, ये भी आता था ना कि वाई डू वी हैव रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ताकि हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि लोगों को कोई भी लोगों के राइट्स को वायलेट ना करें. दे आल्सो हैव सीन पॉलिटिक्स, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज रिजर्व दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज. सो डू दीज क्वेश्चंस. आपका ये टॉपिक जो है ना, आपने आराम से इसको जितने अभी आपने क्या